फिर से बता दीजिए, ये तो 100% है, ये तो बहुत ही बढ़िया। देखिए आज हम एक बार फिर झगड़ोली गांव में आए हैं और ये वही झगड़ोली है जहां से पूर्व एसडीएम संदीप सिंह जी जीत के निकले थे और काफी युवा साथी हमारे साथ पीछे आपको दिखाई दे रहे हैं और बुजुर्ग भी हैं और सभी लोग यहां पर पूर्व एसडीएम संदीप सिंह को सुनने के लिए आए हैं और इन्होंने भी जो है आज भरपूर समर्थन देने का वादा किया है। तो संदीप जी क्या कहेंगे, काफी युवा शक्ति पीछे खड़ी आपके दिखाई दे रही है और कहते हैं ना जहाँ युवा होता है तो फतेह जो है 100% मिलती है। सैनी साहब, सबसे पहले तो मैं अपने झगड़ोली अपने जो परिवार के सदस्य हैं इनको धन्यवाद करना चाहूंगा। लास्ट टाइम की जो जीत इतनी अच्छी जीत थी हमारी, देखिए फर्स्ट टाइम में इतनी अच्छी वोट आनी, तो ये सब अपनापन और इनका जो ये देख रहे हैं कि भी कोई नॉलेज वाला व्यक्ति है। आओ देख रहे हैं सारा यूथ जो हमारे साथ जुड़ा हुआ है, यूथ ने हर चीज़ बड़े ध्यान से सुनी है, यूथ को पता है कि सच्चाई क्या है और झूठ क्या है। हम ये कभी नहीं कहते कि हम चांद सितारे तोड़ लेंगे, सूरज को ले आएंगे, हम वही चीज़ बोलते हैं जो हम कर सकते हैं। क्योंकि देखिए हमने आगे की 5 साल की जो प्लान हमारी यूथ को बताई है, यूथ को बड़ी पसंद आई ये प्लान्स हमारी, जो हमारे नए प्रोजेक्ट्स, नई स्कीम्स, लघु उद्योग, कुटीर उद्योग, हमने जो सारा बताया और डिफरेंट डिफरेंट जितने भी हमने इस और जो सारे प्रोजेक्ट्स बताए, तो देखिए इतना ईजी था। ये 45 साल में अगर जॉब्स प्रोवाइड करना चाहते तो 1 साल में कम से कम भी 1000 से 2000 जॉब्स आराम से हमारे यूथ को मिल जाती, अब तक हमारा कोई यूथ खाली ना रहता। लेकिन कभी ध्यान नहीं दिया गया प्रोजेक्ट्स पे, कभी स्कीम्स के ऊपर। देखिए एक एमएलए को 25 करोड़ रुपये मिलता है, डिस्क्रिप्शन ग्रांट अलग हो गई है। तो अगर एमएलए चाहे, अगर इंटेलिजेंट एमएलए हो तो स्टेट गवर्नमेंट से ही बहुत पैसा ला सकता है, कम से भी 20-30 करोड़ और ला सकता है, सेंट्रल गवर्नमेंट से 50-60 करोड़ और ला सकता है। देखिए ऊपर बैठे ऑफिसर भी समझते हैं कि इंटेलिजेंट है, इसको पैसा में देना पड़ेगा, क्योंकि प्रोजेक्ट रिपोर्ट आपको दिखा रहा है कि ये प्रोजेक्ट मुझे लागू करवाना है अपने एरिया में। लेकिन आज तक सैनी साहब कोई भी प्रोजेक्ट रिपोर्ट सिंगल सबमिट नहीं हुई है, ना स्टेट गवर्नमेंट को ना सेंट्रल गवर्नमेंट को, तो पैसा कहाँ से आएगा? पैसा जब तो आएगा जब आप प्रूव करोगे लाई गया प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स, लेकिन कभी ध्यान नहीं दिया गया। देखिए हमारे जनता को, हमारे मेहनत जनता को इन्होंने हर बार भ्रमित किया, इन्होंने कभी कुछ बातों में भ्रमित किया, कभी कोई बातों में भ्रमित किया, लेकिन पहली बारी हमारी जनता को, हम सबको एक विकल्प मिला है और विकल्प भी हमारी जनता के रूप में ही है। हम तो लोगों को एक ही बात कर रहे हैं, हमारे यूथ को एक ही बात कर रहे हैं, इस बारी वोट दीजिए सच्चाई को, ईमानदारी को, विकास को, और खास तौर पे सबसे इम्पोर्टेंट है अपनी जॉब्स को, अपनी नौकरी को वोट दीजिए इस बारी। देखिए पेरेंट्स की एक ही इच्छा होती है, मेरा बेटा या मेरी बेटी नौकरी लग जाए, बस यही कहते हैं हमेशा। तो देखिए और जो बच्चे होते हैं वो भी दिमाग में रखते हैं कि ये इतना टाइम हमारे पेरेंट्स ने मुझे हमें पढ़ा लिया है और हम क्या करें, हम कैसे करें, हमें जॉब नहीं मिल रही है, तो एक डिप्रेशन का सा माहौल हो जाता है घर में, लड़ाई झगड़े का सा माहौल हो जाता है एक लंबे टाइम के बाद। तो सैनी साहब देखिए हम चाहते हैं कि इनके जो सपने तोड़े पीछे लोगों ने, वो हम सपने इनके सजोना चाहते हैं, हम इनको बड़े बड़े सपने के पूरे करना चाहते हैं, केवल सपने ना देखते रह जाएं और आके फिर कोई इनका सपना तोड़ दे। हम चाहते हैं कि ऐसा सपना इनका बनाएं ताकि इनको सब कुछ ही घर में प्रोवाइड हो जाए, कोई जा रहा है बावल, कोई रिवाड़ी, कोई आगे, किसी 15,000 मिल रहा है, 120,000 मिल रहा है। हम ये गारंटी देके जा रहे हैं सैनी साहब, अपने झगड़ों के जितने लोग बैठे हैं आज सबके सामने वायदा करके जा रहे हैं, 5 साल के अंदर अंदर मैक्सिमम यूथ को हम जॉब्स प्रोवाइड कराएंगे, मैक्सिमम यूथ को। आज तक सैनी साहब ये किसी ने मुद्दा नहीं उठाया, फर्स्ट टाइम डेवलपमेंट एंड जॉब्स का मुद्दा उठ रहा है, पहली बारी हर व्यक्ति से बचता रहता है, क्योंकि इसके लिए मेहनत करनी पड़ती है। एक प्रोजेक्ट तैयार करने के लिए इंजीनियर्स बिठाने पड़ते हैं, ऑफिसर्स बिठाने पड़ते हैं, बहुत मेहनत से एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार होती है, जब जाके ऊपर सबमिट होती है। इन्होंने कभी भी इतनी मेहनत नहीं की, मेहनत की हमारे बच्चों के सपने तोड़ने के लिए, अपने बच्चों के सपने पूरे करने के लिए। अब इस बारी जनता ऐसा नहीं होने देगी, हमारा परिवार ऐसा नहीं होने देगा, इस बारी हमारा परिवार अपने सपने पूरे करेगा और अपने मेहंदगढ़ को वर्ल्ड क्लास सिटी बना के रहेगा। थैंक यू सर। देखिए काफ़ी बड़ी बात है भाई, लगातार जो है इनका जो कारवा है प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है और काफ़ी लोग हैं उनसे मैं थोड़ा सा जान लेता हूँ, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी बुजुर्ग बैठे हैं और काफ़ी युवा शक्ति है पीछे, उनसे भी हम पूछेंगे। तो ताऊ जी से पहले जान लेते हैं, ताऊ जी क्या कहेंगे संदीप जी के बारे में? पता लग रहा है कि भाई काफ़ी यहाँ पर जब ये SDM थे तो काफ़ी इस गाँव का काम करवाया था, आज ही आपके पास आए, तो क्या कहना चाहिए? मैं तो पहले ही बता रहा था, पहले बता रहा इनकी छवि बढ़िया छवि है, छवि बनाओ, मेहनत करो, जब छवि बनेगी थोड़ी मेहनत करो। काम कौन कौन से कर रहे थे? एक तो हमारे गांव में वो मांगते थे औरतें, उनकी इन्होंने मांगना बंद करवाया।
एक हमारे हमारे स्कूल में प्राइमरी स्कूल में टीचर थी एक, और एक था एक थी महिला टीचर, उनकी बातचीत आपस में ठीक नहीं थी। तो उनके जो स्कूल वालों ने हेड ने भी एडीएम साहब को रिक्वेस्ट करी जा करके, फिर मास्टर नोट भी की, फिर मैं खुद थी ट्रैक्टर भर के गाड़ी में ले गए इनके पास, और इनको जनाब ऐसे बात ऐसे जनाब हमारे साथ मुकाम में ऐसी बात हो रही है। तो उन्होंने बोला कि सोमवार को हम डिप्टी कमिश्नर भेज देंगे, उन्होंने भेज दिया उस दिन ही। एस डी एम साहब बढ़िया नेता जी, बढ़िया। हाँ पूरा समर्थन देंगे। मेरा नाम सुरेंद्र सिंह चौहान है जी। साहब के जो ताऊ जी थे वो डीसी थे राम नारायण जी, और ये तो राज घराने के अफसर हैं, और बहुत ही अच्छे परिवार से इन्होंने अपने भाई जन्म लिया है। और साहब के पास जो भी चलेगा किसी भी काम के लिए, तो साहब ने इनकी फुल मदद की जनता की। और हमारे गांव के बारे में बताएं तो हमारे गांव में 5 साल तक एक आम रास्ते में पानी भरा रहा 3 फुट, और मैं साहब के पास गया तो साहब ने हमारे उस पानी को 3 दिन में निकाल दिया, जबकि रामविलास भी आ लिया, धर्मवीर भी आ लिया, दान सिंह भी आ लिया, सारे आ लिए। शादी के टाइम में भी पानी नहीं निकलिया, साहब ने 3 दिन में पानी निकाल दिया, जो कि लालमण पंडित के घर के श्यामी राजेंद्र के श्यामी पानी भरा हुआ था जी मैन रस्ते के अंदर। तो साहब घर का तो आदमी को न्या जी, बहुत अच्छे आदमी थे, और ऐसे ही नेता को हम चाहते हैं। अब की बार जैसे इस गांव से जिता के निकाला था, तो अब की बार कैसे रहेगा? अब की बार जी दुगना वोटा तो जिता के निकालेगा, ये बालक निकालेगा जी, और बटन न दबेगा ये कितने भी चरबो करो, लेकिन बटन दबेगा साहब को जी। और हमने देखो मारो धनी ना अपना गा भाषा हो धनी, तो साहब ना हमने दियो से जी खूब मारो मान सम्मान करियो से, बालका ही मदद करी से। और ये तो जी पुलिस का दलाल सी दोनों थोक, मैं कहता हूँ जी ये तो एसपी डीएसपी ते मिले उड़ा सी झूठा मुकदमा बनवा दी ही बालका का, और जी परेशान करी है जनता ने आदमी ही साहब का। तो जी जितनी वो आग देना आग जितनी बड़ाई करे उतनी थोड़ी। मेरा गांव भवाना है जी, जाति भावरिया हूँ, नरेश नाम है। मेरे गांव में मेरी कास्ट का 250 घर हैं, पाली धोली झांखड़ी गागड़वास बचीणी चीन चीतलांग निम्बेड़ा, ये हमारा बिरादरी का पूरा एसडीएम साहब का ग्रुप बन चुके हैं, हम ही बिल्कुल ग्रुप बन चुके हैं। मेरे गांव में भवाना में 250 घर हैं, और इनके संदीप एस डीम को फुल बहुमत से जिता के लाएंगे। मैं तो शॉर्ट में एक ही बात कहता हूँ, रोंडा खुंडा हटाओ, संदीप सिंह को लाओ। हाँ रोंडा खुंडा हटाओ। देखिए सर, संदीप जी ग्रेट पर्सन आदमी है, और ग्रेट पर्सन है, ग्रेट पर्सनालिटी के, और पढ़े लिखे व्यक्ति है, और आज के टाइम के अंदर और आज के एनवायरमेंट के अंदर यदि नेता पढ़ा लिखा है तो वो विकास करवा सकता है, और यदि नेता अनपढ़ होगा ना तो डेवलपमेंट नहीं करा सकता किसी भी चीज़ की। और फिर ये तो आईएएस कैडर की व्यक्ति हैं, ऐसे व्यक्ति को चुना जाए जो हमारी आवाज़ को उठाए, हमारी चीज़ों को, हमारी एजुकेशन को, हर चीज़ को डेवलपमेंट करे। ये नहीं कि आपने नेता को अनपढ़ पकड़ लिया और उसके कहने से हमने वोट दे दिया कि आज उसके दे दो आज उसके दे दो, और उसने किसी चीज़ को विकास किया नहीं, और खा करके 5 साल के अंदर वो झंडी आउट हो गया। तो हम तो यही कहेंगे कि संदीप जी पहले भी जीतते थे इस गांव से, अब के और भी भारी मतों से मेहनत के अंदर जीत करके ये विनर होंगे। सर क्या कहें जी, एसडीएम साहब के अच्छे नेचर हैं, बढ़िया आदमी है जी, की बार पक्का बनेगा, बहुत भारी। हाँ जी पक्का बनाओगे? पक्का हाँ जी पक्का। बताइए सर क्या बताएं? नहीं बिल्कुल संदीप सिंह को जिताएंगे जी, और हमारी तो ध्येय यही है, एक वोट हम संदीप सिंह को ही देंगे, और हाँ जी बिल्कुल देंगे। ठीक है जी, क्या नाम है भाई साहब? वीर सिंह। वीर सिंह बताइए क्या बताना साहब है? इनकी बार साल जो सरकार बैठी है ना उन्होंने दो मार का नहीं लाया, संदीप जीता के। अच्छा। तो अपना नाम वीर सिंह। वीर सिंह नहीं? हाँ ठीक है। मतलब पहले किस पार्टी से जुड़े हुए थे? मैं पहले कांग्रेस से। कांग्रेस से? हाँ। उनको छोड़ दिया आपने? हाँ। तो संदीप से कब से जुड़े हुए? सही एक महीना से। एक महीने से इनके साथ है? हाँ। तो कोई दबाव प्रेशर आएगा तो कोई महसूस नहीं करेंगे? कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि कई बार आखिरी टाइम में है ना चुनाव 2-3 दिन हो जाते हैं, तो और क्यों बड़ी हो इसका है। मैं बजरंग बली को भगत हूँ, ठीक है, चिंता ना लो, उसकी सुखा ली तो सब गिम कर लियो। अच्छा ठीक है, जो कह दियो वो कर दियो, सारी सरकारी मुद्दों लगा के नहीं लाया तो अपना नाम वीर सिंह। ठीक है, बेझिझक करो। संदीप जी को कब जानने लगे? जब मेरी गाय की डेथ हुई थी, जब संदीप जी ने एक वहाँ सभी बुला रखे थे,
तो मैं भी चली गई। किसी का फोन आया था भुचावास से, अब चलो जिसकी देसी गाय खत्म हुई है वहाँ चलो। तो संदीप जी ने हमें 11,000 से सम्मानित करा। और उस दिन से ही मैंने तो ये कहा था कि भाई किसी गरीब की उन्होंने सुनी है तो हम तो उनके साथ ही रहेंगे, ठीक है। और जितने भी हमारे से होंगे कोशिश करेंगे पूरी संदीप जी के साथ रहेंगे। संदीप जी आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं। संदीप सिंह के साथ छू, संदीप जी के साथ है। आशीर्वाद दे दिया। हाँ। के काफी युवा शक्ति हमारे साथ मौजूद है। भाई क्या नाम आपका? दीपक। दीपक क्या काम करते हैं? सीएससी सेंटर चलाता हूं जब गांव में। हाँ जी हाँ। तो क्या अब क्या सोच के समर्थन दिया है संदीप जी को? संदीप जी एक बहुत ही अच्छे इंसान है और अच्छे ऑफिसर लाइन से एसडीएम से रिटायरमेंट है और बढ़िया विकास करेंगे। पूरे हम तन मन धन से संदीप जी के साथ है और संदीप जी को वोट देंगे। पहले भी 900 प्लस वोट थी, अब की बार कोशिश रहेगी 1500 प्लस वोट, 1500 के आसपास वोट आए। क्या कहना चाहेंगे? जी संदीप साहब के साथ हैं। पिछली बार भी साहब को जिताया था, अब की बार भी साहब को 1500 प्लस वोटों से जिताएंगे। मतलब पिछली बार करीब 605 थी, अब की बार तो 1500। क्या कहना चाहेंगे? देखिए जी, पहली बार कोई एजुकेटेड नेता है महेंद्रगढ़ में, तो एजुकेटेड सिस्टम को जानने वाला ही सिस्टम को बदल सकता है। और यूथ को एजुकेशन चाहिए तो एजुकेटेड व्यक्ति एक एजुकेशन प्रोवाइड कर सकता है अच्छी। और हमने इनकी जो भी 5 साल की जो भी वो इन्होंने योजनाएं बताई हैं वो हमें अच्छी लगी, तो हम इनके साथ। मतलब ये है कि भाई ऐसा कुछ प्रोजेक्ट वगैरह लेके आएंगे तो यूथ को नौकरी मिलेगी। हाँ, इनको यूथ को हमें सभी को रोजगार प्रोवाइड होगा तो अच्छी बात है ये। नमस्कार जी, मैं अमित कुमार झगड़ोली से, और जो ये आज संदीप एसडीएम जी पधारे हैं यहाँ और इन्होंने जो कुछ योजनाएं बताई हैं, कुछ लघु उद्योग के बारे में, कुछ कटु उद्योग के बारे में, कुछ पर्यटन के रिलेटेड, सब योजनाएं बढ़िया हैं। अगर ये आते हैं और ये काम करते हैं तो उससे लोगों को रोजगार मिलेगा। मेन चीज़ है रोजगार। हर बंदा चाहता है कि भाई मेरे को जॉब मिले, मैं काम धंधे लगूँ। अगर पर्यटन आता है, लघु उद्योग आता है, कटु उद्योग आता है, जो भी आता है, इससे क्या होगा, लोगों को काम मिलेंगे। टूरिज्म आता है, होटल मैनेजमेंट आएगा सब। तो ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में वोट दें, समर्थन करें, लोगों को जागरूक करें और मतलब ज़्यादा से ज़्यादा बड़ी जीत बनाएं। जब बड़ी जीत होगी तो ओहदा अच्छा मिलेगा ऊपर, तो उससे महेंद्रगढ़ की सुनवाई होगी। तो मेरा तो यही युवा शक्ति यहाँ पर पहुँची थी समर्थन देने के लिए। हाँ जी हाँ, बहुत संख्या में लोग आप देख सकते हो चारों तरफ जो है युवा शक्ति है, काफी मतलब आस है युवाओं को, बहुत आस है। एक्चुअली बात क्या है, हर बंदा एजुकेटेड है यहाँ और हर बंदे को चाहिए जॉब, हर बंदे को चाहिए भाई वो उठ के आए यहाँ। 20-25-30-45 ईयर से जो भी चल रहा है कि भाई मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, होता कुछ नहीं है। पूरे महेंद्रगढ़ में आप महेंद्रगढ़ शायद सेकंड लार्जेस्ट या थर्ड लार्जेस्ट होगा, एक फ्लाईओवर है। अब आप सोच सकते हो क्या डेवलपमेंट है, ठीक है। ओहदा भी अच्छा मिला है, शिक्षा मंत्री रहे हैं, कभी कोई कुछ रहा है, कभी कोई कुछ रहा है। अब बताया कि 25 करोड़ मिलते हैं, हमें तो पता नहीं कहाँ मिलते हैं, क्योंकि 25 करोड़ जब लगा ही नहीं तो मिलता कहाँ है, पता ही नहीं लग रहा है लोगों को, उस चीज़ का पता ही नहीं हमें। अब बताया गया 25 करोड़ मिलता है, कुछ सेंटर से भी ले सकते हैं हम, कुछ स्टेट से भी ले सकते हैं। किसी ने कुछ नहीं लिया तो अपने पेट के लिए लिया, हमें कुछ नहीं मिला। मतलब ये जो कर रहे हैं इन्होंने, अभी जो पीछे एक वायरस आया था गायों में, उसका नाम था लंपी वायरस। लंपी वायरस में मैं खुद बेनिफिटेड हूँ 11,000 से। आपको भी 11,000 मिले? मेरे को 11,000 का चेक खुद वो लेटर मिला और फोन आया था अभी 10-15 दिन पहले कि वो आपको चेक दिया जाएगा। तो मैं खुद बेनिफिटेड हूँ उस चीज से, तो मैं ऐसे कैसे बोल सकता हूँ कि भाई कर रहे हैं वो लोगों के लिए। और जब जब वो ओहदे पे आएंगे तो इससे अच्छा करेंगे। भाई मैं बुरा थे, मैं एसडीएम का साथ सुन, एसडीएम ने बढ़ाना चाहूँ सुन, ना मैंने नौकरी चाहिए ना मैं लागू। अच्छा, वो अपनी तो हो रही है सरकार, अब जो बन जाए मैं तो नौकरी में लाए रहे जाने, बच्चों को तो जॉब मिल जाए, अपना काम का लाग जाए, धंधा पानी लाग जाए सारा। हमने तो यही भाई पीछे भी हम तो साथ था, जिब भी मैं तो मन तन धन था साथ। मतलब कोई अब कोई भी आए बहकावे में नहीं आएगा। और मेरा बावला कहीं को रंग ही ना चढ़े, भाठा पानी पड़े है डटे से भाठा पे, भाठा पर तो पानी नहीं छिपाओ। मेरा कहीं को रंग नहीं चढ़े, मेरे तो आई को चढ़े एसडीएम साहब को, एसडीएम को साहब को रंग चढ़े। बताओ क्या बताना चाहेंगे? हम ये बताना चाहेंगे कि हम ईमानदारी के साथ हैं और संदीप एसडीएम जी ईमानदार हैं
संघर्षशील है और मेहनत कर रहे हैं, तो उनका मेहनत का फल मिलना चाहिए। और हम संदीप सिंह के साथ है बिल्कुल धन से मन से बिल्कुल। कोई भी आएगा कोई दबाव प्रेशर में नहीं, नहीं कोई प्रेशर नहीं है, किसी का प्रेशर है आज तक प्रेशर नहीं लिया, आगे क्यों प्रेशर लेंगे किसी का, क्योंकि वोट हम अपना है, हमारा वोट है, हमें हक है वोट देने का, हमें अधिकार है, ये तो अधिकार थोड़ी हमको उसको छीन सकता है नहीं। तो अब की बार संदीप जी के साथ है, फुल सपोर्ट है हमारा। कितने युवा की टीम है आपकी जैसे जिस तरह से सपोर्ट कर रहे हो आप? युवा की टीम हमारी 20-25 लड़के हैं, 2500 आपके साथ है, बाकी युवा गांव के काफी तकरीबन साथी हैं। बिल्कुल आज तो काफी स्ट्रेंथ में युवा आए हैं। बिल्कुल हाई स्ट्रेंथ, तो ये सारे समर्थन देने के लिए आए हैं, समर्थन में है, कुल के समर्थन दे दिया है, मतलब कोई दबाव प्रेशर महसूस नहीं, कोई दबाव प्रेशर नहीं है। अब की बार बता रहे हैं कि पिछले से डबल करने वाले, कोशिश है पूरी, पूरी पूरी कोशिश है। देखिए आज हम झगड़ोली गांव में मौजूद हैं और झगड़ोली गांव में ये तीसरा या चौथा कार्यक्रम है हमारे चैनल पे, और आज जो है दूसरे पाने में, हम कहेंगे कि दूसरे साइड में हम यहां झगड़ोली में मौजूद हैं, और यहां पर काफ़ी गैदरिंग और काफ़ी युवा शक्तियों ने जो है पूरे SDM संदीप सिंह को समर्थन दिया है। और आपने देखा होगा कि पीछे जो गाँव था दुलोट अहिर, उसमें भी काफ़ी युवा शक्ति जो है संदीप जी के साथ जुड़ रही है। तो प्रत्येक दिन कोई भी ऐसा दिन नहीं जा रहा कि जहाँ पर 100-150 व्यक्ति पर डे जो है नहीं जुड़ रहे, तो एक कारवा प्रतिदिन लगातार बढ़ता जा रहा है और ये रिकॉर्ड तोड़ मैं कहता हूँ बम्पर जीत होने का दावा कर रही है यहाँ की जनता। तो अब देखते हैं चुनाव नज़दीक है, एक साल का समथिंग जो है चुनाव का टाइम बचा हुआ है, और कैसे क्या लोगों का रुझान बनता है। तो आप भी देखते रहे हमारे चैनल को और इस खबर को बीच बीच में शेयर जरूर कर दें, जिससे कि आसपास के जो गाँव हैं उसमें भी मैसेज का पता लग पाए। तो जितने भी साथी इस खबर को देख रहे हैं शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि अगली खबर का नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए। तो आप बने रहिए MGN हरियाणा लाइव न्यूज़ के साथ। नमस्कार।